मुझे क्या बनाया है, कोई आएगा तो देखे का क्या कहेगा। चलो जल्दी से साफ करो। ओह माय गॉड, ये तुम लोगों ने अलमारी का क्या हाल बनाया है। कोई आएगा देखे तो तो क्या कहेगा। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है, ये क्या पहना हुआ है, ये किस तरीके से खेल रहे हो, कितना गंद मचाया हुआ है, बिस्तर अपना क्यों नहीं साफ किया। ये वो जुमले हैं जिनकी आड़ में आप अपने बच्चों का बचपन उनसे छीन रहे हैं। बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि उनके जहन में कुछ इस तरह के जुमले बैठ जाएं और ज़िंदगी भर की क्रिएटिविटी उनसे छीन ली जाए। बच्चे शरारत करते हैं वो करने दें, खान मचाते हैं मचाने दें, तोड़फोड़ करते हैं वो भी करने दें, लेकिन उनको समझाने के लिए किसी और शख्स का या किसी ऐसे अननोन स्ट्रेस का सहारा ना लें जो उनके दबाव में बैठ जाए और वो जब भी कोई नया काम करने लगें तो वो डर जाएं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मैं जो पहन रहा हूँ ठीक है कि नहीं। बच्चे सब शरारती होते हैं। ये वो जुमले हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्चों में और अपने दरमियान गैप पैदा कर रहे हैं। बच्चे सहमे सहमे से रहने लग जाती हैं, खौफ का शिकार हो जाती हैं और उनकी जो सेल्फ क्रिएटिविटी है उनके अंदर जो छुपी हुई होती है कुदरती तौर पर उनके अंदर जो स्किल्स हैं वो डेवलप होना खत्म हो जाती हैं। इसी तरीके से ये वो जुमले हैं जो हंसते खेलते घर को, घराने को, जीवन के शोर और बीवी के रिश्ते को भी तबाह कर देते हैं। तो इन जुमलों से बचिए और इन जुमलों को अपने घरों में कम से कम इस्तेमाल करें और बच्चों को शरारतें करने दें, खेलने दें, कूदने दें। जिसने जो कहना है कह दे, जिसने आके देखना है देख ले, देखने वाला देख के चला जाएगा, कहने वाला कह के चला जाएगा, लेकिन बच्चों का बचपन चला गया तो वापस नहीं आएगा। इस बात को समझिए। शुक्रिया। मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम बीच में दूध पी रही हो। ओ कट।